गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट वीडियो में, कल आपको बेसिक डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री पढ़ाए थे, तो आज उसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो कल एंगल हुआ था, आज पेयर ऑफ एंगल्स है। ठीक है, कल एंगल के बारे में बताए थे, आज पेयर ऑफ एंगल्स। तो बच्चों देखिए, कल थोड़ी बहुत स्पेलिंग्स में मिस्टेक हुआ था, जैसे पॉइंट था, पॉइंट्स होना चाहिए था, पॉइंट हो गया। तो ऐसे से कुछ जगह देखिए, ऐसे डेल्टा करके ऐसे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो वहाँ कौन सा मिस्टेक जितना हुआ है सब उसमें डालेंगे ना, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए, आज जो पढ़ना है, आज पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ना है ना। तो पहला क्या है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब संलग्न, मतलब कि जो बगल वाले कोण, मतलब कोई भी चीज़ जो जैसे अभी बताते हैं आप। डिफिनेशन देखिए एडजेसेंट एंगल की, दोज टू एंगल व्हिच हैव वन कॉमन पॉइंट, वन कॉमन आर्क एंड बोथ एंगल लाइ टुवर्ड बोथ साइड ऑफ द कॉमन आर्क इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। मतलब कि ऐसे दो कोण जिनमें एक कॉमन पॉइंट हो, यहाँ पे देखिए ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट, यहाँ पे वन कॉमन पॉइंट है, वन कॉमन एंड वन कॉमन आर, वन कॉमन आर, देखिए ये वन कॉमन आर्म है। फिर कह रहा है कि एंड बोथ एंगल लाई टूवर्ड बोथ साइड ऑफ द कॉमन आर, जो दोनों एंगल है वो कॉमन आर्म के बोथ साइड में, टूवर्ड बोथ साइड, दोनों तरफ हो। देखिए ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है। ठीक है, तो यहां देखिए ये इस तरह का हमने फिगर बनाया, कहीं भी तरह के फिगर बन सकते हैं, ये जरूर नहीं कि ऐसे ही फिगर है। ठीक है, अब ये देखिए ये कॉमन आर्म हो गया, ठीक, ये एंगल वन टू, ये भी तो एडजेसेंट हुए। ठीक है, देखिए यहां पे वन कॉमन पॉइंट, वन कॉमन आर्म एंड बोथ एंगल लाई टूवर्ड बोथ साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अब देखिए दूसरे तरीके से भी हो सकता है, ये जरूर नहीं वही एक फिगर है, यहां भी हो सकता है ऐसे भी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल, मान लो ये एक्स है और ये वाई है, यहाँ पे एक्स और वाई क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर आप अपने हिसाब से कई बना सकते हैं, बट बस इतना होना चाहिए कि जो दोनों एंगल लाई करेंगे वो टूवर्ड बोथ साइड ऑफ द कॉमन आर्म, वो दो जो कॉमन आर्म होगा उभयनिष्ठ भुजा उसके दोनों तरफ होंगे। ठीक है, बस ये इतना आपको देखना है। ठीक, यहाँ पे इस फिगर में हम लिख सकते हैं, एंगल वन एंड एंगल टू आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, जो एंगल वन है, एंगल टू है, हम लिख सकते हैं एंगल वन एंड टू आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, और ये देखिए जो एडजेसेंट एंगल है जरूरी, ये देखिए नॉट इक्वल टू 180 डिग्री या नॉट इक्वल टू 190 डिग्री। ठीक है, ये जो ये केवल इक्वल नहीं, बराबर नहीं होते, ये एक दूसरे के मतलब एडजेसेंट बगल के हैं बस। ठीक है, ये तो इतना हो गया। नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स में नेक्स्ट है लीनियर पेयर। अब इसमें देखिए इसी पे बेस्ड है लीनियर पेयर आपका, दोज एडजेसेंट एंगल हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ठीक है, दोज एडजेसेंट एंगल हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पेयर। अब देखिए मतलब कि ऐसे संलग्न कोण, मतलब कि ऐसे जो दो बगल के कोण, ऐसे ऐसे हो सकता है, उनका जो सम होना चाहिए, योग होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से फिगर में आप देखिए
ये देखिए, और ये देखिए, ये जो स्टेट एंगल लीनियर पेयर होता है वो एक स्टेट लाइन पे फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टेट लाइन क्या है, एसी जो है आपकी वो स्टेट लाइन है ये। अब देखिए, अब वन और टू एडजेसेंट है कि नहीं, देखिए जो भी यहाँ देखिए क्या होना चाहिए, वन कॉमन वर्टेक्स या वन कॉमन पॉइंट होना चाहिए, वन कॉमन पॉइंट ओ हो गया। उसके बाद देखिए वन कॉमन आर, यहाँ ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, सॉरी ओ बी क्या है, ये कॉमन आर्म है। फिर देखिए, और जो बोथ एंगल लाई टुवर्ड बोथ साइड ऑफ द कॉमन आर्म, देखिए वन और टू क्या है वो कॉमन आर्म के बोथ साइड में है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुए, एडजेसेंट एंगल हुए। और लीनियर पेयर यही है कि दो एडजेसेंट एंगल हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पेयर। तो यहाँ पे एंगल 1 + 2 इक्वल टू 180 डिग्री हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई दूसरा फिगर है, ऐसे है, ठीक। पी हो गया, क्यू हो गया, आर, ठीक है। अगर ये दे दे आपका 50 डिग्री और यहां पे यक्स दे, आपसे पूछे कि यहां से यक्स की वैल्यू निकालिए, ठीक है, और यहाँ पे पी आर क्या है, स्टेट लाइन है, पी आर जो है वो स्टेट लाइन है, आप यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालिए, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे बिकॉज एंगल यक्स प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। वाई बिकॉज लीनियर, ठीक है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल x इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130 डिग्री, ठीक है। ये ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, हाँ इतना आप नोट करिए अभी, ठीक। नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों, नेक्स्ट थर्ड, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइन के एक दूसरे के कट करने पे बनते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे टू एंगल्स फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस आर एंड हैव नो कॉमन आर्म आर कॉल वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर। देखिए टू एंगल्स फॉर्म बाई द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स एंड हैव नो कॉमन आर्म आर कॉल वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए कह रहा है कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से बनते हैं, ठीक है, और उसमें कोई भी जो आर्म होती है या रे कॉमन आर्म नहीं होते। कॉमन आर्म के बारे में हम पिछले वाले मतलब लीनियर पेयर में आपको बताया, एडजेसेंट में बताया, ठीक है। मतलब कि यहाँ देखिए, यहाँ फिगर हमने ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे इसको ये एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट किए हैं, तो ओ जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे फोर एंगल्स फॉर्म किए हुआ है, 1 2 3 4 जो हमने 1 2 3 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए एंगल 1 एंड 3 हैज नो कॉमन आर्म, देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2 हैव नो कॉमन आर्म, सो एंगल 1 एंड एंगल
सॉरी थ्री एंगल वन एंड थ्री, एंगल वन एंड थ्री आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री. जब कॉमन आर नहीं है ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये बराबर हो गया. सिमिलरली क्या होगा, एंगल टू एंड एंगल फोर है नो कॉमन आर, सो एंगल टू एंड एंगल फोर आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, फिर क्या हुआ, इसलिए एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर हो जाएगा. तो यहाँ से एंगल वन इक्वल टू थ्री और यहाँ से एंगल टू इक्वल टू फोर. तो यहाँ एंगल वन और थ्री वर्टिकली अपोजिट हैं, टू और फोर वर्टिकली अपोजिट हैं. ठीक है, और देखिए यहाँ पे वी कैन सी, हम और भी क्या देख सकते हैं, नाउ वी सी दैट एंगल वन एंड टू. अब देखिए हम एंगल और वन और टू के बारे में क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, बताओ आप ही बताओ कि एंगल वन और टू ये कैसे एंगल हैं, कैसे एंगल हैं ये, व्हाट एंगल वन और टू एडजेसेंट एंगल है. ठीक है, अभी हम लीनियर पेयर में पढ़े ना, और किसमें, लीनियर पेयर में और एडजेसेंट में पढ़े ना. ये OA क्या है, OA एज अ कॉमन आर फॉर एंगल वन एंड टू, एंगल वन एंड टू में OA जो है वो कॉमन आर्म है. ठीक है, तो क्या होगा, एंगल वन एंड टू क्या हो जाएगा, तो एंगल वन और टू और क्या है, एडजेसेंट है, और CD क्या है, स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. वाई, बिकॉज लीनियर पेयर. ठीक है, ये लीनियर पेयर, और इसमें देखिए और कितने लीनियर पेयर है. देखिए अब इधर को ऐसे ढक लीजिए, यहां पे टू और थ्री, फॉर टू और थ्री OC इज अ कॉमन आर्म, फॉर एंगल टू एंड थ्री OC इज अ कॉमन आर्म. देन एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर. ठीक, फिर देखिए अब इसको ढक लीजिए ऊपर वाला, फिर नीचे देखिए, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर. और फिर देखिए एंगल वन प्लस एंगल क्या फोर इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर. ठीक, ये इतना हो गया ना, यहाँ पे कितने लीनियर पेयर फॉर्म हुए, फोर लीनियर पेयर फॉर्म हुए. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे हमने बताया कि एंगल वन एंड थ्री हैव नो कॉमन आर्म, सो एंगल वन एंड थ्री आर वर्टिकली अपोजिट एंड दे आर इक्वल, एंगल वन एंड थ्री आर इक्वल हो गए. और यहाँ पे सिमिलरली टू और फोर है इक्वल हो गए. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं. ठीक है, ये जो हमने फोर बनाया हुआ है, देखिए यहीं से हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं. ठीक है, देखिए वन प्लस टू इक्वल टू 180 डिग्री, टू प्लस थ्री इक्वल टू 180 डिग्री. चलिए वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, और ये फोर हो गया, फोर इक्वेशंस हम ले लिए. अब आप कुछ करिए तो मत, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू देखिए वन प्लस टू इक्वल टू 180 डिग्री, टू प्लस थ्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये दोनों जो है 180 डिग्री इक्वल हैं, इसलिए एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, एंगल सॉरी टू प्लस
कैंसिल हो गया, वन इक्वल टू थ्री हुआ, जो क्या है यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट हो गया। फिर यहाँ पे देख लीजिए आप, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री सेम प्रोसेस, दोनों 180 इक्वल है, एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, थ्री थ्री से कट गया, एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर, यहां पे प्रूव हो गया। ठीक है, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री एंड एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर, दीज पेयर्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो बच्चों देखिए, ये जो हम डिफिनेशंस बता रहे हैं वो क्लास सिक्स सेवन एट तीनों के लिए हैं। ठीक है, क्लास सिक्स वाले प्यारे बच्चों देखो, आप ये ना समझें कि ये बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, बहुत ही ईजी है, आप बस इतना देखिए, क्लास सिक्स वाले सबसे ज़्यादा तेज होते हैं, क्योंकि सिक्स सेवन एट वाले जो हैं पढ़ते कम हैं। ये मत सोचिएगा कि हम कमज़ोर हैं उनसे, तीनों लोगों के लिए एक है। ठीक है, और देखिए क्लास सिक्स सेवन तीनों लोगों के लिए, जो सेवन एट वालों से सिक्स वालों का कंपेयर कराएंगे। ठीक है, जब सिक्स वाले एक बच्चा सिक्स का रहेगा, एक बच्चा सेवन और एट का रहेगा, ठीक है, तीनों लोगों का कंपटीशन कराएंगे, और सिक्स वाले ज़्यादा मेहनत करके वो उनसे कंपटीशन करेंगे, अगर सिक्स वाले जीतते हैं ठीक है तो उनको सम्मानित किया जाएगा। कैसे, जीत हम अपने हिसाब से जो हमारी कैपेसिटी रहेगी क्षमता से हम आपको सम्मानित करें क्लास सिक्स वालों के लिए। और क्लास सिक्स वाले बच्चे ये बिल्कुल ना समझें कि हम सिक्स सेवन और एट वालों से कमज़ोर हैं, बिल्कुल नहीं बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आप केवल पढ़ते रहिए, क्लास सेवन और एट वाले बहुत पढ़ते कम हैं। और हाँ, जब क्लास सिक्स वाले जीतेंगे तो देखिए सेवन और एट वाले क्या करते हैं, हाँ हम इसलिए कह रहे हैं बच्चों कि जैसे सभी लोग पढ़ें। ठीक है, चलिए ये इतना नोट करिए। ठीक है, नोट करिए, प्यारे बच्चों अब आइए इस पे हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे अगर अभी आपको दे दे एंगल टू इक्वल टू, एंगल टू इक्वल टू क्या, एंगल टू इक्वल टू दे दे 60 डिग्री। ठीक है, एंगल टू इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्योंकि एंगल टू दिया हुआ है हमको, सबका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए एंगल वन और टू में क्या रिलेशन है, एंगल वन और टू में बताइए, एडजेसेंट एंगल है ना, और ये लीनियर पेयर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू वन 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, लीनियर पेयर एंगल वन, ठीक है, प्लस टू के स्थान पे हम 60 पुट कर देंगे, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल वन इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल वन इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ वन की वैल्यू आ गई। तो देखिए अब वन की वैल्यू निकल गई, दो टू की दी हुई थी, आइए थ्री और फोर का निकालते हैं। देखिए बच्चों टू इक्वल टू फोर होगा कि नहीं, क्यों होगा, अभी हमने बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। यहाँ देखिए तो एंगल, पहले देखिए थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री इक्वल टू एंगल वन, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल वन, वन की वैल्यू वन 20 डिग्री। फिर देखिए
एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 4 इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबकी वैल्यू आ गई, 3 की वैल्यू 120, 4 की वैल्यू 60, यहाँ पे 2 का दिया हुआ था, 1 का यहाँ हमने निकाल दिया, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया आपका। ऐसे बच्चों और ढेर सारे इक्वेशन आप लगा सकते हैं, और तीनों क्लासों के लिए बच्चों कह रहे हैं, ये नहीं कि हम 6 वालों को कुछ कह रहे हैं। देखिए 6 वाले जो हैं, 6 वाले वो अभी क्लास 5 से आ रहे हैं, और 6, 7, 8 थोड़ा सा एक बार पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि हम क्लास 7 और 8 के लिए हम ऐसा कह रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे, हम सबको पढ़ने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी वो छोटे बच्चे हैं, आप थोड़े से उनसे बड़े हैं, इसलिए उनके लिए उनका मनोबल थोड़ा सा ऊँचा हो, इसलिए चलिए ये इतना हो गया आपका, ये यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और इस पे और भी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। हाँ इतना नोट करिए आप, ठीक है, नोट करो बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोज टू एंगल व्हिच सम मेक 90 डिग्री, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, ठीक है। दोज टू एंगल व्हिच सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए एंगल यहाँ पे फिगर में एंगल 1+1 and 2 है, यहाँ पे 1+2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए जैसे देखिए 30 डिग्री 60 डिग्री ये क्या है, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। 80 डिग्री 10 डिग्री ये दूसरे एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। ऐसे से आप जितना भी हो सकता है ऐसे दो कोण लीजिए, अब उनको सम कर उनका सम करिए, ठीक है, ऐड कर दीजिए। अगर वो 90 डिग्री के इक्वल हो रहे हैं तो वो कैसे एंगल होंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आप कैसे निकालेंगे 70 डिग्री, हमने क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री। ऐसे एक तो या तो ऐसे पूछेगा या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दोनों की है। तो यहाँ से पहले हम आपको डिफिनेशन बता चुके हैं, क्या दोनों जो दो एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के, दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो देखिए एक एंगल दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तुरंत 90 में से जो एंगल है उसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 20 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री इज 20 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री में अगर एक एंगल दिया रहेगा, दूसरा पूछेगा आपसे, तो तुरंत आप क्या करिएगा कि 90 में से जो एंगल दिया हुआ है उसको घटा दीजिए, कॉम्प्लीमेंट उसका आ जाएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए हम आपसे आपको दे दें कि 45 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 90 में से 45 आप तुरंत घटा देंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो जब उतना ही आएगा, 45 ही आएगा, ठीक है, तो वो 45 एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, 45 और 45, ठीक है। अब नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री, फिफ्थ है सप्लीमेंट। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ठीक है,
देखिए सप्लीमेंट देंगे। फिफ्थ है सप्लीमेंट्री एंगल, दोज टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल ठीक है, दोज टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए यहाँ पे ऐसे इसका फिगर हो सकता है वन टू, ठीक है ए बी सी एंगल वन प्लस टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ये तो आपको वैसे ही बताए हैं ऐसे क्वेश्चन। अब जैसे सपोज दैट एंगल वन इक्वल टू क्या दे दें 70 डिग्री दे दें, ठीक है 70 डिग्री दे दें क्वेश्चन में है, तो कह दे कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री ऐसे क्वेश्चन, इसमें ऐसे नहीं ऐसे पूछेगा, हाँ फाइंड द कॉम्प्लीमेंट फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री, ठीक है तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो तुरंत आप करिएगा 180 में से 70 घटा दीजिएगा, ठीक है कितना आ जाएगा 110, तो 70 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 110। और कोई भी आप ऐसे ले सकते हैं, अगर हम पूछ दें अभी 100 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 100 का कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी गलत बोल रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल 100 का, कह रहे बच्चों यहाँ से थोड़ा सा गलत हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं सप्लीमेंट्री है, ठीक है यहाँ सप्लीमेंट्री पढ़ा रहे हैं ना सप्लीमेंट या सप्लीमेंट, सप्लीमेंट सप्लीमेंट ऑफ 70 तो ये सप्लीमेंट हो गया। तो सप्लीमेंट अगर पूछते 100 का तो कितना हो जाएगा तुरंत 180 में से आप क्या करो 100 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है तो कितना हो जाएगा ये 80 डिग्री हो जाएगा। 80 डिग्री क्या है 100 का सप्लीमेंट है, ठीक है नोट कर लीजिए कितना 10 बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है अब आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है थैंक यू।